तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, आप चाहें तो जैसा स्पीड पे डलता है उतना तेल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस 1 चम्मच छोटे चम्मच से, और इसमें ही डाल देंगे पानी, और साथ ही इसमें ही थोड़ी सी चीनी पाउडर डाल देंगे, मीन्स 1/2 टीस्पून से भी कम, और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे साइड में रखते हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई में डाल दिया है 3 चम्मच तेल। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। मैंने फ्लेम हाई कर दी है और यहाँ पर एक पूरा जो गार्लिक की गांठ रहती है जिससे में 15 से 20 कलियाँ रहती है, पूरा का पूरा छील लिया है और चॉप्ड कर लिया है। इतना सारा ही इसमें ये डालना है। तेल आप अपने पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो गार्लिक है उसे जलाना नहीं है, पर हल्का सा इसका कलर चेंज हो तब तक भूनना जरूरी है। साथ ही मैंने और क्या क्या लिया है ये भी बता देती हूँ। जब तक गार्लिक हो रहा है, यहाँ पर 2 सूखी वाली लाल मिर्च रहती है वो ले ली है, इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और 2 हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी सेम तरीके से कट किया है, थोड़ा सा चिली पेस्ट लिया है और जिंजर पेस्ट लिया है, मीन्स अदरक का पेस्ट या फिर चॉप किया हुआ अदरक ले सकते हैं, और ग्रीन चिली को आप सिर्फ कट करके भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं आप, इसमें चिली अवॉइड करके भी बना सकते हैं, तब भी ये उतना ही टेस्टी बनेगा। मैंने यहाँ पर 1/2 कप तीनों कलर के कैप्सिकम इस तरह से छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, कट कर लिए हैं, और एक गाजर ली है। अगर आपके पास में बीन्स हैं तो बीन्स भी सेम साइज के ही कट करके ले लीजिए, बीन्स इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और अब डाल देंगे इसमें अदरक, हरी मिर्च, दूसरी वाली हरी मिर्च और लाल मिर्च, सभी डाल देंगे एक साथ और फास्ट फास्ट इसे चलाएंगे। इसका ठसका उड़ सकता है इसलिए मैं थोड़ी सी शांत हो गई हूँ। ये बर्न गार्लिक फ्राइड राइस बन रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गार्लिक को जला दिया जाए, लहसुन को जला दिया जाए, पर कलर चेंज होने तक ज़रूर भूनना है। अगर आप इसे जला देंगे तो हल्का सा कड़वा टेस्ट आ सकता है, जैसा कि मैंने पिंकिश रखा था बिल्कुल वैसा ही रखना है। अब इसमें ये वेजीज डाल देंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन्हें, इन सभी चीज़ों का कच्चा टेस्ट ही इसमें अच्छा लगता है। और फ्लेम कभी भी हाई रखना है। मैं यहाँ पर कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन यूज़ कीजिए, आयरन है तो आयरन यूज़ कीजिए। नॉन स्टिक में ये उतना टेस्टी नहीं बनता है, पर अगर नहीं है तो नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च कुटी हुई होगी तो और भी अच्छा है। जो स्ट्रीट पे बनता है इससे भी ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनता है, तो उसमें एक जो फायर वाला टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि घर में पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर काफ़ी हद तक ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। वेजीज हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, मीन्स हरे वाले प्याज। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, तुरंत ही बाकी की सॉस भी डाल देंगे। और इसमें जो हमने वेजीज डाले हैं बहुत ज़्यादा कुक करके टेस्टी भी नहीं लगते हैं, आपने अगर कभी बनाया है तो आपको पता ही होगा। ये स्ट्रीट स्टाइल बर्न गार्लिक राइस बन रहा है। मिर्च का जो हमने वो बना के रखा था पेस्ट, मिर्च और चिली सॉस वाला, वो डाल देंगे। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं सॉस बिल्कुल सोच समझ के डालिएगा। 1 चम्मच सोया सॉस, पहले हम इसे फटाफट चला लेंगे, बस आधा मिनट कुक करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कुक किए हुए राइस, ये 80% कुक किए हुए राइस हैं। कभी भी फ्राइड राइस बना रहे हों, बर्न गार्लिक फ्राइड राइस बना रहे हों, राइस एकदम ठंडे यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ठंडा करने का तो आप फ्रिज में थोड़ी देर रख सकते हैं। साथ ही डाल देंगे विनेगर, कास्ट आयरन कढ़ाई है इसलिए मैंने विनेगर पहले नहीं डाला है। फटाफट चला लेंगे, ये देखिए क्या कलर आ रहा है। मैंने बासमती राइस यूज़ करे हैं, आपके पास जो भी राइस बचते हैं, कभी मॉर्निंग में बचे हुए राइस हैं पड़े तब भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि सब्जियां तो ऑलरेडी अवेलेबल रहती ही हैं घर में, और नहीं है तो सिर्फ आप इसे ऑनियन और गार्लिक से भी बनाइए तब भी ये उतना ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी मैं,
चलिए ये तैयार हो गया है। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, आप चाहें तो जैसा स्ट्रीट पे डलता है उतना तेल डाल सकते हैं। इसे सर्व कर लेते हैं और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन। मैं यहाँ पर फ्लेम बंद कर रही हूँ, सिर्फ इसे गर्म ही करना होता है। और तुरंत ही इस आयरन कढ़ाई में से इसे निकाल दीजिए, इसमें ही नहीं रहने देना है, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये लीजिए, तैयार है बर्न गार्लिक फ्राइड राइस। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, बस इसलिए ही डालते हैं। और अगर आपके पास में फ्राइड नूडल्स रखे हुए हैं तो आप उसे भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे कि आज मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। कहीं कहीं स्ट्रीट में इसे डालते हैं। आप इसे बनाएं और फिर मुझे बताइए ये कैसा बना है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।